हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचर सीक्रेट। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेके आई हूँ जो आपके होठों को पिंकिश कर देगा। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को हिट करें मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। फ्रेंड्स, फटे और ड्राई होंठ्स न केवल देखने में खराब लगते हैं बल्कि दर्द भी बहुत करते हैं, और आपको जैसा कि पता है कि गर्मी का टाइम चल रहा है तो होंठ बड़े रूखे से हो जाते हैं। हमारे होंठों को अच्छे से मॉइस्चराइज करने के लिए हमें अच्छी तरीके से इसे स्क्रब करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक ऐसा स्क्रब लेकर आई हूँ जो आपके होंठों को की डेड स्किन को रिमूव करेगा और आपके होंठों को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, साथ ही पिंकिश करेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है बहुत लोग लिप बाम का यूज़ करते हैं, लेकिन वो असाधारण और अस्थाई टाइम के लिए होता है, हम ज़्यादा टाइम के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको स्क्रब बताने वाली हूँ उसका यूज़ करके आप नेचुरली अपने होंठों को मॉइस्चराइज कर सकते हैं, साथ ही आपके होंठ बहुत ही पिंकिश लगेंगे और बहुत ही स्मूद रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए है शक्कर, जिसे मैंने बारीक पीस लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, शुगर बहुत ही अच्छा स्क्रब का काम करता है होंठों के लिए, तो हम आज ले रहे हैं शक्कर। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने एक लिया है बोल, और इस बोल में मैं ट्रांसफर करूंगी करीबन एक चम्मच शक्कर। और फ्रेंड्स, इसके अलावा हम शक्कर के साथ लेने वाले हैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल, जो कि फेस के लिए तो बहुत अच्छा होता है, हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, साथ ही ये लिप्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और ये लिप्स को मॉइस्चराइज रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसमें डाल लिया है दो चम्मच कोकोनट ऑयल। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं मिक्स कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इस स्क्रब को आप घर पे आसानी से बना सकते हैं, साथ ही इसके इंग्रेडिएंट्स भी आपके घर में हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं, और ये एक सबसे आसान रेमेडी है जिसका यूज़ करके आप अपने अपने लिप्स को अच्छे से स्मूथ और पिंकिश कर सकते हैं, साथ ही आप इससे अपने डेड स्किन लिप्स पे जो भी डेड स्किन हो गए हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें चाहिए होगा एक ब्रश, और ब्रश में हम ले लेंगे इस स्क्रब को और अच्छी तरीके से अपने होंठों पर अप्लाई करेंगे। सर्कुलर मोशन में हम इसे अप्लाई करेंगे अपने होंठों पर अच्छी तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो हमारी रेमेडी है वो न सिर्फ आपके होंठों को पिंक करेगी, साथ ही ये आपके होंठों के डेड स्किन को भी रिमूव कर देगी, और साथ ही आपको बहुत ही अच्छी लिप्स देगी। फ्रेंड्स, आपके जो फटे होंठ हैं उनको ये उनके लिए ये रेमेडी बहुत ही बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।